तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। द पीकेएल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं हम, जाने वाले हैं हम बाड़ा कैंट। और आपको बताते हैं, दादी जी की टांगें बहुत दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे जाके उनकी टांग वगैरह बुलवा के आनी है। जो वहाँ पे मियाँ जी बैठते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, तो वो काम ये करते हैं। तो ठीक है, वहाँ जाके चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो आप मेरी बैक साइड में आपको देख रहे हो गई, ये अभी भारती का ब्लॉग चल रहा है, अभी हम वो देख रहे थे। ये तो भाई अपना सैंडी देखो, यहाँ पर तैयार तो रोके बैठा है, क्योंकि इसका बर्थडे है भाई। तो इसका बर्थडे, और मैंने अपनी जो कटिंग कुटिंग है भाई, वो भी करा ली है प्रॉपर। यार बाल अच्छे नहीं लग रहे थे, तो वो भी मैंने करा लिए हैं। ठीक है, और दाढ़ी दुड़ी आप देख रहे हो भाई, पूरी सेट है। कैजुअल सी ड्रेस में चलते हैं भाई अपनी। ठीक है, टी शर्ट वगैरह भाई, ये लोअर वगैरह भी डाल लिया हमने। तो सेंटी का आज है हैप्पी बर्थडे, तो इसको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। हैप्पी बर्थडे सेंटी भाई, गुस्सा कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसका गुस्सा भाई ठीक है, कोई बात नहीं भाई, नहीं रिप्लाई करना कोई, बोल तो दे कुछ, ची ची कर दे कुछ, मिट्टू बेटा ही कर दे। बट कैमरे को देख के कुछ ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहा है। तो चलते हैं भाई हम वाला कैंट और करवा के लाते हैं वही काम। तो भाई दादी भी अब गाड़ी में आ गई है, अब चलते हैं इनके टांग मलवाने। रेडियो, चलो। आवाज़ भी कम निकल रही है, दर्द काफ़ी ज़्यादा है। भाई जीरकपुर में भी खड़े हैं यार, जाम में काफ़ी देर हो गए यहाँ पे हम कर रहे हैं। भाई क्या करें यार, जाम में फंस के फंसे। और आके आपको दिखाता हूँ आगे, तो यहाँ पे भाई ये चंडीगढ़ को तो राइट को जा रहा है, दिल्ली है, उसके लेफ्ट में पटियाला है, जो ऊपर का जो हाईवे जा रहा है भाई, जो कैंट की तरफ जो भी आएगा यार, उधर से ना उतरने का रास्ता नहीं, जो पंचकूला साइड से है ये, यार काफ़ी दिक्कत रहती है यहाँ पे। पर इन्होंने चढ़ने का तो बना दिया, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट यहाँ से उतरने का रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। जो हाईवे है भाई अपना, पूरा जाम हो जाता है। देखो मेरे पीछे जो गाड़ियाँ हैं भाई, वो पूरी की पूरी मेरी गाड़ी के पीछे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें रश रहता है। वो दादी तो बीबी कहाँ गई भाई, वीडियो में आ जा भाई, तुझे याद कर रही है पब्लिक, साइड में दिखा रही है। देख तंग हो जाती है, देख बीबी बता, इनको लेके जाना पड़ता भाई। हम कम से कम 4 दिन से लगातार जा रहे हैं, कल मैं किसी कारण नहीं जा पाया क्योंकि मैं बाहर था, और आज मुझे टाइम मिला थोड़ा, तो मैं लेके जा रहा हूँ इनको। चलो हरी बत्ती होगी, चलते हैं। गाइस मैं आपको बता रहा था वो कौन सा हाईवे, मैं इस हाईवे की बात कर रहा था, जो कि भाई यहाँ से ये चढ़ने का तो है, पर यहाँ से हम उतर नहीं सकते, उतरने का बनाया नहीं। देखो यहाँ से भी जो लेफ्ट साइड से पब्लिक जा रही है, सॉरी राइट साइड से पब्लिक जा रही है, वो भी नीचे से जा रही है, इस साइड से भी भाई नीचे से ही जा रही है जीरकपुर से, पर यहाँ से पंचकूला से आने का रास्ता नहीं है। हम जा तो रहे हैं भाई अम्बाला कैंट की तरफ, बट यहाँ से रास्ता नहीं बना है। और मैं आपको एक रास्ता और दिखाता हूँ, जो कि चंडीगढ़ तरफ की जा रहा है, वो जा रहा राइट साइड से। वो देखो भाई अभी ट्रक निकला है, और ये है भाई, देखो हमने ऐसे टर्न ले लिया, बट जो यहाँ पे ये तो जा रहा है देखो अपना चंडीगढ़ की तरफ। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ भी टर्न बनाने का सलाह रहती है भाई, कि यार जो अपना वो रहता है अपना आने के लिए रास्ता, वो होना चाहिए था। तो यहाँ पे हवा में कोई चौक वगैरह बनना चाहिए था। फाइनली गाइस हम अम्बाला कैंट पहुंच गए हैं। नो पार्किंग रोड्स, नो ट्रक्स पार्क। भाई ट्रक निकल रहा था यहाँ से भाई, इतना बड़ा चीज कैसे निकाल दोगे तुम। ओ भाई इसके यहाँ से क्रॉसिंग कर लेते हैं अभी आगे से, ये भाई अभी जगह तो कैसे निकाल दोगे तुम तो निकाल सकते हैं। जो गाड़ी है भाई अपनी, वो सिर्फ ओनली छोटी गाड़ी जा सकती है, इनोवा वर्ग की गाड़ियाँ वगैरह, वो 7 सीटर या अपनी जो हैचबैक गाड़ी वगैरह वो जा सकती हैं, तो बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती यहाँ से। पिकअप ट्रक वगैरह भी जा सकता है, बड़ी तरह बड़े ट्रक नहीं जा सकते। इन्होंने पहले लगा रखा है भाई आर्मी एरिया है, तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है भाई ये। भैया मालागंड पहुंच गया, मैं कुछ यहाँ पे रुका था भाई, मैंने देखा कि यहाँ पे यार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कुछ यहाँ पे घर था यार पुराना काफ़ी, तो यहाँ पे देखते हैं यार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पेड़ पूड़ है, यहाँ पे कोई उसका खड़ा है, निबोड़ियाँ बोलते हैं इसको भाई, उसका पेड़ लगा हुआ है जिसके अंदर का पुराना, और यहाँ पे पेड़ वगैरह जम चुके उसकी, देखो ये तने कैसे निकले पड़े यहाँ पे। चलो और भांग वगैरह भी उगी पड़ी है, ये तो वैसे ही बना लिया मैंने, मैं चलो कोई चीज़ पुरानी है भाई उसके बनाने, मुझे काफ़ी मज़ा आता है वीडियो बनाने में उसकी। तो चलते हैं अब। तो भाई फाइनली हम उस्ताद बब्बू खान के पास पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे दादी अपनी टांग बुलवाने आई है, तो यहाँ आती है और ये इनका अंदर से ऐसा कुछ है भाई, बोर्ड लगा हुआ है आप देख रहे हो, उस्ताद बब्बू खान का।
और अपनी गाड़ी अपना पार्क वहाँ पे जगह है आल्टो के पास, वहाँ पार्क कर लेते हैं। वैसे तो स्पोर्ट के पीछे पार्किंग है, वहाँ भी कर सकते हैं। गाइस एक पंगा हो गया यार मेरे से, बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं यार यहाँ पे इन्हें पार्किंग करी अपनी गाड़ी को, देख रहे हो यहाँ पे पार्क खड़ी है, ठीक है, दोनों गाड़ियाँ पे साथ में जैसे पार्क लगाई, और मैं जल्दी जल्दी लॉक करने के बाद भाई अपनी गाड़ी की जो चाबी है वो अंदर भूल गया हूँ। ये देखो भाई वो चाबी अंदर लगी हुई है और गाड़ी यहाँ पे टोटली लॉक हो चुकी है। वैसे हमारे पास का जुगाड़ रहता है कुछ ना कुछ, मेरे से काफ़ी बार गलती हो चुकी है, अपनी गाड़ी यार लॉक हो जाती है यार, क्या करें। तो खोलते हैं भाई, ट्राई करते हैं इसको खोलने का। तो भाई यहाँ दूसरे भाई से चाबी मिली है, वो ट्राई करके देखते हैं भाई, क्योंकि यार भाई है यार यहाँ पे थोड़ी मदद कर रहे हैं। कोई नहीं आ रहा था। हाँ भाई ये तो घुस ही नहीं रही है, ये और दे आया तेरे है नहीं जड़ी। चलो दूसरी का ट्राई करते हैं भाई, यहाँ पे तो चल नहीं रही यार। इसका एक ही जुगाड़ है, इसकी पट्टी वगैरह खोलनी पड़ेगी तभी ये ऊपर होगी, वरना नहीं ऊपर होगी। तो फिर आपको देखते हैं कुछ और सॉल्यूशन करके देखते हैं भाई, नहीं गाड़ी यहीं पे खड़ी रहेगी तब तक। यार हमें लोहे का स्केल वगैरह मिल जाए तब भी अपना काम चल जाए। वो भाई थोड़ा करछी से मदद की जा रही है कि भाई किसी तरह अपनी ये, ताकि भाई ने भाई जो दो जने अपने भाई देखा भाई हमें टैक्सी ड्राइवर, ये भी भाई टैक्सी ड्राइवर है, इनकी हेल्प से भाई देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि भाई थोड़े अनजाने शहर में आके भाई ये चीज़ें गलतियाँ हो जाती हैं तो कोई मदद के लिए भी नहीं आता। तो यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं भाई, और साथ में यहाँ पर थोड़ा सा है चाय वगैरह बनाने के लिए, ये खाना वगैरह बनाते हैं, तो इनकी करछी वगैरह का हमने यूज़ करने के बाद देखते हैं खुलती है कि नहीं। वैसे यार हमें एक बढ़ोता दे रहे हैं भाई कि चोरों वगैरह को फानी हो जाते हैं खोलने के लिए, हम वो चीज़ बढ़ा रहे हैं वीडियो यहाँ पे, तो क्या करें मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है हमें। तो यार फाइनली अपनी जो चार्ज भी है अपने हाथ में आ गई है और अपना जो लॉक है वो ओपन हो गया भाई। कंडी थी एक छोटी सी, वो चीज़ खोलनी थी कराई है भाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी करमचंद। करमचंद है भाई आप? हाँ जी। आप टैक्सी वगैरह चलाते हो? हाँ जी सर बिल्कुल। तो भाई ने अपनी बहुत हेल्प करी है भाई निकालने में, ठीक है। हाँ जी सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हेल्प करी यार अननोन शहर में आके, और भाई ने भी हेल्प करी है। भाई आपका नाम क्या है? प्रिया स्वामी। हाँ जी प्रिया स्वामी। प्रिया स्वामी भाई भी हेल्प कर रहे थे पूरी यार। तो यहाँ पे एंटीओर का भी यहाँ पे वो है भाई, यहाँ पे चाय वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गुरु कृपा भोजनालय इनकी हेल्प काम हुआ है। हाँ अगर ये कड़छी ना होती तो भाई अपना काम रुक जाता भाई आज। कड़छी की हेल्प से भाई अपनी जो गाड़ी है वो ओपन हो गया, नहीं तो वो खोलने हो नहीं पाता। नहीं नहीं आंटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी बस यही कृपा है जी, अननोन शहर में आके को किसी की हेल्प कर दे वो इससे बड़ी बात क्या है। हेलो 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 करो हेलो करो हेलो हेलो कर ले बेटा अभी तो सो गया। हाँ वही तो, ये तो प्यार के भूखे होते हैं आंटी, तो इनको प्यार वगैरह चाहिए होता है। स्कूबी सिरज वैरायटी का भाई ये देखो कितना प्यारा है, बाल वगैरह उतार रखे हैं इसके, आंटी बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बाल होते हैं इसके, तो अभी बेचारा डॉक्टर साहब के पास आ गया, दादी का यहाँ पे अब करने आ गए। ये खोल के ही होता जी है क्या जी? ये खोल के करना पड़ता है ये सारा? हाँ खोल के दवाई लगती है दोबारा से भैया, वो एक बार लगी दोबारा तो बंद लगेगी, दोबारा तो फिर चेंज करनी ही पड़ती है। ठीक है भैया ठीक है जी सर। छोड़ दो पहले साफ करने दे मुझे, फिर तो कहेगी खारिज हो रही है मेरे को। तो यहाँ डॉक्टर जी ने यहाँ पे दवाई लगा दी है।
चाबी रह गई क्या गाड़ी में किसकी? नहीं मेरी रह गई थी जी। अच्छा निकल गई, निकाल दी मैंने तेरी वाली गाड़ी। हाँ मेरी वाली गाड़ी थी, वो निकाल दी उनसे, वो लेके निकलवा ली मैंने। अच्छा फुटे से निकाल ली? नहीं फुटे से नहीं, वो कड़छी होती है ना लंबे वाली, वो चली गई थी उससे निकाल लिया। अब कब आना को डॉक्टर साहब? परसों को? एक दिन अल्टरनेट डेज में बुलाते हो आप? दो पट्टियाँ और लगेगी बस, छुट्टी फिर। उसने फोन कर दिया अपने छोकरे पा। अच्छा डॉक्टर के कहाँ जा रहा है? ठीक है ठीक है, ध्यान से रोड करना है क्रॉस। तो कैसा लग रहा है फिर? ठीक है ना, पट्टी पुट्टी करा लिया भाई दादी ने, अब चलते हैं भाई। इनका थोड़ा सा दवाई दवाई लेनी है। किसी की दवाई लेनी है? धड़कन की। धड़कन की दवाई लेनी है? धड़कन इनके, ये एक्चुअली बीमारी बन गई है इनको, तो इनकी दवाई लेके आते हैं। वो भी थोड़ा सा आगे दूर है, 4-5 किलोमीटर, वहाँ से दवाई लेके आनी है। तो खोल देते हैं, बड़ी मुश्किल से खुली, लॉक हो गई थी। अब क्या करें भाई, गलती से लॉक होगी। चलो बैठ जाओ, कोई नहीं, अब होगी तो गलती से क्या कर सकते हैं, गलतियाँ तो होती है इंसान से। वो कितनी दूर पड़ेगा? नहीं पता तो है, यहाँ से तो 2-3 किलोमीटर हो गए ना। दादी को दवाई लेनी थी, यानी मैं इनको बीबी बुलाता हूँ, तो बीबी को यहाँ पे दवाई लेनी थी, तो इनको दवाई दिला के लाते हैं भाई। ऐसे तो यार ये अकेले कहते मैं ले लेती हूँ, वैसे मैंने कहा कि मैं भी चलूंगा साथ में, तो दिला के लाते हैं भाई। यो तो अब पत्ता दे दियो, पत्ता है यार। अपने आप को उठा ले दवाई, ये वाली। अच्छा पहले नीचे रखी थी है? अच्छा ये दवाई सारी लेनी, ये कितनी देनी है? ये 10 दिन की दे दियो। यो ये तो है थी मेरे पास, करके मैं आ गई थी ना, मैं उड़ा थी अद्धा पत्ता कहाँ होगा? अद्धा पत्ता अद्धा ही थी मेरा, अद्धा अपने जो टेबलेट वाले पत्ते होते हैं उनको काटने के लिए ये वाली यूजर काम आती है हमें। 10 दिन की है, 10 दिन की होगी। क्या कह रहे भैया? आंटी कह रहे मेरे को खुले पैसे, सिक्के चल जाएंगे, चलते सिक्के के, नोट मैंने कहा है नहीं भैया ऐसे, तुम वो तो आपको पता होगा आपके पास खुले है कि नहीं। ये तो क्वांटिटी है 50 के, ये 100 के, हाँ ये भी 100 के, और तो खुले नहीं है ना, तभी तो वो सिक्के दे रहे हैं, तो सिक्के ले लो ना, तो सिक्के लेने में क्या दिक्कत है? ये भी तो करेंसी हमारे भारत की है। बोझ क्या, बोझ का क्या, अपना डाल के रखो बटुए जो रखते हैं। भाई याद कर लो, देखो कौन सी दवाई लेनी है, इतने दूर से है पंचकूला से, फिर बार बार नहीं आ जाएगा इतने दूर से, और दवाई भी तेरी स्पेशल यहीं पे मिलती है। ये वाली हो गई भैया, तो भैया यार मेरी बीबी है ना, उनसे यार सोच सोच के दवाइयां निकाल रही है। एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम। जो मैं दो कुछ तीसरे दिन लेवाऊंगी, दिल्ली नहीं करते, दिल्ली नहीं करते, सोच सोच के दवाइयां निकाल रही है, फिर वहां जाके भूल जाएंगे, क्योंकि भाई फिर वहां जाके भूल जाएंगे भाई कि अपना ये दवाई मिल रहा है, फिर दोबारा आना पड़ेगा, अगर भूल जाते। तो भाई दादी यहाँ पे अपना दवा मेडिसिन वगैरह यहीं से लेके जाते हैं, सकेत हॉस्पिटल है, और साथ में इनके साइड में यहाँ पे केमिस्ट की अंदर इन्होंने दुकान कर रखी है, तो कि जो ये डॉक्टर साहब यहाँ से दवाई वगैरह लिखते हैं, ये देखो ठीक है, ये अपना पूरा इनका स्टाफ वगैरह आता है, ये रिसेप्शन है स्टार्टिंग में, जो पैसे वगैरह अपना तो यहीं पर ही कटता है, और यहाँ दादी अभी तक पैसे इकट्ठे कर रही है। ओहो 100 रुपये क्या किसी के हैं? लो भाई दादी ने हमें 100 रुपये दिए हैं, कह रहा चल कोई बात नहीं तू रख। तो फाइनली गाइस हमने यहाँ पे शू मेडिकल से दवाई ले लिया, कोई रह तो नहीं गई दवाई? नहीं ले ली। ले ली ना, रह गई तो बता दो, तो अभी भी लेके आ सकते हैं दवाई? नहीं ले ली। ठीक है, तो यार ये शू मेडिकल है, ये देखो भाई यहाँ पे हमने मेडिसिन ली है। कहाँ है दवाइयाँ? हाँ ये रही भाई दवाई ले ली है बीबी ने, तो चलते हैं भाई आगे। तो भाई दादी को पिलाते हैं थोड़ा, यार फिर से यार दादी आदि आ रहा है, बीबी बोलता हूँ वैसे, ठीक है तो बीबी को पिलाते हैं जूस, जूस नहीं पिलाएंगे, नारियल पानी पिएगी।
नारियल पानी पिलाएंगे बीबी को, ठीक है, थोड़ी ताकत से आ जाएगी गर्मी। चंडीगढ़ वाला रूट पकड़ लिया फाइनली हमने। ओ यार एक दिक्कत हो गया अपनी गाड़ी में, पहले पेट्रोल कम है, पेट्रोल पंप जाके अपना पेट्रोल डलवाते हैं पहले जाके, तो ना भैया 15 लीटर डाल दो। आधी टंकी में पेट्रोल डलवा के भाई इतना कुछ इसमें पेट्रोल आ गया अपने इसमें। फाइनली गाइस हम यहां पहुंचे हैं नारियल पानी भाई यहाँ पे कहीं को भी यार अपने ना नारियल पानी वाला नहीं मिला, बड़े मुश्किल से यहाँ पे भैया की दुकान मिली है नारियल पानी के लिए। भाई नारियल पानी करना दो, हाँ हाँ पीना, तो आ जाओ भाई की गाड़ी में ले आऊं। और गाड़ी में उस्मान लिया, उस्मान किसमें? कुआ का लिया। पाइप से पीलेंगे, पाइप से नहीं पकिया जाने। भाई गिलास में डाल के दे दोगे? गिलास है आपके पास? है हमारे का नहीं, पाइप से पिला। हां जी पाइप से पिला दे, पाइप से, पाइप से, हां पाइप से पी लियो बीपी, क्या दिक्कत है? दादी कह रही मुझे दिक्कत आएगी, मैं ऐसे या पानी की बोतल खाली करूं? ना पानी की बोतल करा दो मेरा, तो पानी की बोतल पी लेना पानी, ठीक है? कोपा भी निकाल देना इसका, ठीक है? चलो दादी तो यहाँ पीने बैठ गए नारियल पानी, ठीक है? अब मेरा भी यहाँ पे तैयार हो रहा है, मलाई वाला देना, पैक भी कराना, नारियल पैक वो पैक कर देना। आपको दिखा देते हैं फिर से वही भीड़ जो जीरकपुर में होती आ रही है, तो ये काफी परेशान है। क्यों बीबी? बीबी वगैरह कह रहे हैं और इतनी परेशानी हो रही है भाई भीड़ में निकल दे। अपने सेक्टर में प्रवेश कर लिया हमने यार, यही दिक्कत है यहाँ पे, इतनी टाइट टाइट गलियां यार निकालना ही मुश्किल है भाई अपने व्हीकल का, तो देखो हर जगह गाड़ी खड़ी मिलेगी आपको, किसी को आगे से नहीं इशारा दे के निकालनी पड़ती है। अभी एक गाड़ी और आ जाएंगे भी, सारे बंदे यहाँ पे अपने अपने जॉब वगैरह पे जा रखे हैं, तो ये है देखिए यहाँ पे दिक्कत, देखो भाई ये देखो कितनी गाड़ी खड़ी है साइड में, देखो आप हर जगह आपको गाड़ियाँ गाड़ी मिलेगी, अगर इस साइड से राइट साइड अब मुझे राइट टर्न लेना है, यहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह देखो टेम्पो वगैरह तो यहाँ हमेशा ही आपको खड़ा हुआ मिलेगा। और देखो पूरी पूरी जगह है निकालने में बड़ी दिक्कत होती है भाई। बस अपने वाला जो अंदर कह रही है वही खुला है, बाकी तो यहाँ पे सारा का सारा टाइट है भाई। तो फाइनली हम अपने घर आ चुके हैं और मैंने हमारा स्वागत करने के लिए खड़ी थी यहाँ पे। तो फाइनली गाइस हम अपने घर पहुंच चुके हैं, और क्या था भाई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया कल यार, काफ़ी ज़्यादा घूमना फिरना हो रखा था उस कारण यार काफ़ी ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, दवाई वगैरह लेनी पड़ेगी, ठीक है? तो अभी आपको पता ही अम्बाला कैंट जा गए हैं, तो इसी के साथ हम अपने मैं दवाई वगैरह लेता हूँ। अगर आपको भाई हमारा चैनल अच्छा लगा तो PKL बॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और हमारा एक जो फर्स्ट चैनल है मेन चैनल द PKL बॉय उसको भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आप मिलते रहेंगे हमारे इसी द PKL ब्लॉग चैनल पर, सब्सक्राइब एंड लाइक।